हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई। आज जो सब्जी हम बनाने वाले हैं, वो सभी ने खाया होगा, हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। ये है मोर, जो कि हम अंकुरित करके खाते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन आज इसी मोर की हम बनाने वाले हैं मसालेदार सब्जी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ये अंकुरित मोड लिए हुए हैं। ये ऐसे भी टेस्टी लगते हैं, सलाद के जैसे भी हम खाते हैं। इसकी मसालेदार सब्जी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलो बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल रही हूँ मैं तेल। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच तेल इसमें डाल रही हूँ। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अभी हम इसमें डालेंगे 3-4 हरी मिर्च। ये 3-4 हरी मिर्च मैंने तोड़ के रख दी थी, आप चाहे तो इसको बारीक करके भी डाल सकते हो। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के प्याज बारीक काट लिए थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज से सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी ये प्याज को हमें पकने देना है, तो सिर्फ हम प्याज को ऐसे ही चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा पिंकिश होने तक के पकने देंगे। ये देखो, यहाँ पे ये प्याज का कलर चेंज हो चुका है, मतलब ये प्याज पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये मोट, ये अंकुरित मोट मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसको मैं अभी तेल में ही 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकने देती हूँ। ये मोट को 2-3 मिनट हो चुके हैं तेल में डाले हुए। इसको अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, और इसको भी अभी मैं 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकने देती हूँ। तो ये टमाटर भी मोट के साथ पक जाएगा। ये देखो, यहाँ पे ये टमाटर भी थोड़ा सा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो इसमें मैं डाल रही हूँ अभी अदरक लहसुन और धनिये की पेस्ट। ये मैंने तैयार करके रख दी थी, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी ये मसाले को भी हमें तेल में ही ऐसे ही पकने देना है। मसाले को भी 2-3 मिनट तेल में पकने देना है, अगर ये पकेगा नहीं तो सब्जी की टेस्ट खराब हो जाती है। इसलिए इसको ऐसे ही तेल में हम 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। अदरक लहसुन और धनिये का मसाला पक चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे और मसाले। तो इसमें मैं पहले डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमने हरी मिर्च पहले से डाली हुई है, इसलिए लाल मिर्च पाउडर हमें अपने हिसाब से ही डालनी है। हमारे यहाँ ज़्यादा तीखा खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ है। उसके साथ ही इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। इसके साथ ही अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको अभी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये पूरा मसाला मोट में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको ऐसे ही मिक्स करके मैं इसको फिर से 2-3 मिनट पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चे वैसे तो स्प्राउट्स खाने के लिए देखते नहीं, लेकिन अगर ये मसालेदार सब्जी ऐसे बनाओगे तो बच्चे भी बड़े प्यार से इसको खाएंगे। वैसे तो स्प्राउट्स बिना पानी के बनाते हैं, लेकिन ये मसालेदार सब्जी है और किसी किसी को इसमें थोड़ी करी चाहिए रहती है, हल्की सी ऐसे करी चाहिए। इसलिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को इसमें करी पसंद है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अभी मैं इसको 3-4 मिनट के लिए पानी में ऐसे ही पकने देती हूँ। तो वो मोट भी अच्छे से पक भी जाएगी और थोड़ी सी करी भी बन जाएगी सब्जी में। ये देखो, यहाँ पे ये मोट की सब्जी पक चुकी है, बहुत ही मस्त दिख रही।
अभी लास्ट में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच गरम मसाला, जिससे कि सब्जी की टेस्ट भी बढ़ेगी और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। इसको भी मैं अभी मिक्स कर लेती हूँ और इसको 1 मिनट तक चम्मच चलाते हुए ऐसे पका के गैस बंद कर देती हूँ। तो ये हमारी मूड की सब्जी बन जाएगी। ये बन गई मोठ की सब्जी, मसालेदार मोठ की सब्जी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है, हेल्दी भी रहती है। साधारण सा सलाद खा खा कर सभी बोर हो जाते हैं। अगर एक आध बार ऐसे मसालेदार सब्जी बन जाए तो सभी को बहुत पसंद आएगा। और इसके ऊपर अभी मैं इसको गार्निश कर लेती हूँ धनिए से। ये बन गई हमारी मोठ की मसालेदार सब्जी। तो आप भी ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।